क्वेश्चन नंबर फोर भी देखिए बहुत सरल है। क्या करेंगे, पहले एज यूजुअल अब न्यूमरेटर के साइड में जो पार्ट रहता है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन रहता है, अब पहले इसको रख दीजिए 5 होल इनटू 2x प्लस 1 होल इनटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। सही है दोस्तों। तो इधर हमको जो दो दो बाइनोमियल दिखाई दे रहा है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर रहते हैं, तो इधर हम क्या करेंगे, ये 2x प्लस 1 ये 2x प्लस 1 ये सिंपलेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये सिंपलेस्ट करने के बाद यहां पर 1 बचता है, यहां पर भी 1 बच रहा है, तो अब क्या रहेगा 5 होल इनटू 3x प्लस 5। मतलब ये जो डिवीजन करने के बाद जो आंसर आता है वो होता है आपका 5 होल इनटू 3x प्लस 5, ये रहा आपका सही आंसर। अब क्वेश्चन बी 2 की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन को भी देखिए, इट इज वेरी इजी टू डू। क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर लिख दीजिए एज यूजुअल 26xy होल इनटू x प्लस 5 होल इनटू y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13xy होल इनटू y माइनस 4, राइट। तो इधर हम क्या करेंगे, y माइनस 4 ये इजी से सिंपलेस्ट हो सकेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, इधर एक xy इधर एक xy ये भी सिंपलेस्ट हो जाएगा। अब 13 को मैं 13 से अगर काटूं तो 1 रहता है, इधर 13 से सिंपलेस्ट करने के बाद 2 रहता है। अब क्या रहता है, न्यूमरेटर का जो पार्ट रहता है वो इधर 2 है और ये x प्लस 5 यानी कि 2 होल इनटू x प्लस 5। नीचे में 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये रहा आपका आंसर। सही है दोस्तों। अब ट्रिपल आई की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है फ्रेंड्स। इधर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो दिया गया है पहले न्यूमरेटर लिख दीजिए 52pqr होल इनटू p प्लस q q प्लस r होल इनटू r प्लस p डिवाइडेड बाय 104pq होल इनटू q प्लस r होल इनटू r प्लस p। देखिए ये हर चीज जो टर्म आपको दिखाई देता है ये मल्टीप्लाई होकर रहते हैं, तो इधर हम जो सिंपलेस्ट करने में कोई दुविधा नहीं, क्यू प्लस आर आर प्लस पी ये सिंपलेस्ट हो गया। अब क्या रहता है, इधर देखिए पी इंटू क्यू इंटू आर मतलब पी क्यू ये भी सिंपलेस्ट हो जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, और इसको मैं कौन सा सिंपल कॉमन फैक्टर रहता है जो यहाँ पर हम इसको सिंपलेस्ट कर सके, तो ये 13 में अगर मैं काटूं तो 13 8 104, ये 13 में काटूं तो 4, इधर दोबारा भी ये कट सकता है ये 2। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो है r होल इनटू p प्लस q, ध्यान देकर देखिए डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2, ये रहा आपका आंसर। बहुत सिंपल है, अब खाली एक दो बार घर में अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर दीजिए। अब ये ट्रिपल आई मैंने करवा दिया, और आई भी को देखते हैं। अब क्वेश्चन आई भी वही सेम तरीके से होगा, सिंपलेस्ट क्या होगा देखिए, 20 होल इनटू वाई प्लस 4 होल इनटू वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 होल इनटू वाई प्लस 4, मतलब वाई प्लस 4 वाई प्लस 4 सिंपलेस्ट हो गया। अब 5 को 20 के साथ काट दीजिए, मतलब सिंपलेस्ट कर दीजिए, ये 5 में कटेगा तो 1, ये 5 में कटेगा तो 4। अब क्या रहता है, 4 होल इनटू वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 3, ये हो गया आपका आंसर। सही है दोस्तों। बहुत कितना सरल है देखिए, बहुत सिंपल है। अब आई भी मैंने करवा दिया, आगे भी की बारी। कुछ ये भी का जो क्वेश्चन ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखने में देखने से ही पता चल जाता है ये किस तरह से समाधान होगा। देखिए x होल इनटू x प्लस 1 एज यूजुअल डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है वो यहाँ पर आप पहले लिख दीजिए डिवाइडेड बाय x होल इनटू x प्लस 1। मैं पहले से बता दिया था कि जो भी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर रहते हैं वो सिंपलेस्ट हो सकेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो x प्लस 1 x प्लस 1 कैंसल, मतलब सिंपलेस्ट हो जाने के बाद इधर 1 इधर 1 और x इधर x हो गया। अब क्या रहता है, x प्लस 2 होल इनटू x प्लस 3, दिस इज योर आंसर। सही है दोस्तों, बहुत इजी है। सभी को रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज घर में इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर दीजिए, ताकि आपका जो फंडामेंटल का जो दीवार होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।